शाजापुर जिले के कालापीपल ग्राम खोकर कला में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय रामबाबू पाटीदार की 8वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान और निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण, नेत्र परीक्षण व रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही रक्तदान 304 यूनिट, स्वास्थ्य परीक्षण 650 लोगों का व नेत्र परीक्षण 270 लोगों ने करवाया। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल रक्तदान 100 यूनिट अधिक हुआ। वहीं शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान करने पर लोगों में उत्साह था और एक रिकॉर्ड बना रक्तदान। वहीं लोग कहते हैं ना, रक्त बनाया नहीं जा सकता, यह दान से ही मिलना संभव है। रक्तदान से हम किसी को सीधे जीवन दान देते हैं, इसलिए इसे महादान कहा जाता है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रामबाबू जी पाटीदार, जिनको कर्मयोगी की उपाधि दी गई है, वो मेरे स्वर्गीय पिताश्री थे। उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को रक्तदान, नेत्र परीक्षण शिविर, नेत्र में जो मोतियाबिंद रोग होता है उसका निःशुल्क ऑपरेशन का शिविर, और आज हमारे पास 20 तरह की बीमारियों के कम से कम 45 डॉक्टर आए थे, उनने सबका स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया है। इस हेतु ये शिविर जनसेवा के संकल्प वगैरह जो हम आगे बढ़े हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए ये शिविर आयोजित किया। गत कितने वर्षों से रक्तदान शिविर लगा रहे हैं आप? ये 8वीं पुण्यतिथि थी तो हम हर साल ये रक्तदान शिविर करते हैं। विगत वर्षों में एक वर्ष ये नहीं हो पाया था, कोरोना की जो विश्वव्यापी समस्या थी, उस कोरोना की समस्या के कारण जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके लिए नहीं हो पाया था। 7 सालों से हम लगातार इसको करते आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।